जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और थ्री डायमेंशनल हम लोग देख रहे थे, उसका दो अंक स्तरीय क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। दो अंक स्तरीय में किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा थ्री डायमेंशनल से, आज उसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने थ्री डायमेंशनल के कुछ बेसिक वीडियो को डाला है, ठीक है, और उन सभी वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मतलब उसमें बेसिक तरीके से आपको थ्री डायमेंशनल समझाया गया है बिल्कुल देसी जुगाड़ के माध्यम से। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहां से वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, आपको जो दो अंक का सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में और खासकर 3D से, उसमें सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है द्विक कोज्या से, ठीक है। अर्थात वहां आपको अलग अलग तरीके का सवाल दिया जाएगा, जैसे हम कुछ टाइप उसको उसका बताने वाले हैं। आपको कोई एक बिंदु दे देगा और कहेगा कि इस बिंदु से होकर जाने वाले रेखा की द्विक कोज्या क्या होगी, ठीक है। कोई एक बिंदु दे देगा और कहेगा कि उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की द्विक कोज्या क्या होगी, या कोई एक सदिश दे देगा और तब कहेगा कि इस सदिश से होकर जाने वाली रेखा की द्विक कोज्या क्या होगी, या दो अलग अलग बिंदु दे देगा और आपसे कहेगा कि ये दोनों बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा है उस रेखा की द्विक कोज्या क्या होगी। मुख्य रूप से आपको इसी पर सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। हम थोड़ा सा यहां पर आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम ये 3D के बारे में जो समझाए हैं उस वीडियो को यदि आप देख लीजिएगा तो आपको यहां समझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख लीजिए। पहले तो ये इसका जो होता है आपका मूल बिंदु होता है, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको रखना है याद कि मूल बिंदु का जो नियामक होता है 0, 0, 0 होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं x अक्ष, ये है आपका y अक्ष और ये है आपका z अक्ष, ठीक है। तो यदि x अक्ष का नियामक आपसे पूछेगा तो x 0, 0, y अक्ष का नियामक आपसे पूछेगा तो 0, y 0, जेड अक्ष का नियामक पूछेगा तो 0, 0, z, ठीक है, 0, 0 और z, समझ में आ गया है। एक सवाल आपसे और पूछा जाता है, खासकर ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा x अक्ष की द्विक कोज्या क्या है, ठीक है। हम विशेष रूप से आपको समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं इसको देखिएगा। ऐसे पूरा का पूरा बेसिक आपको बताया गया है, हम लोग मूल रूप से सवाल पर बात करने वाले हैं। आपसे पूछेगा कि x अक्ष की द्विक कोज्या क्या है, x अक्ष की द्विक कोज्या, द्विक कोज्या के बारे में आपको बता दिए हैं कि द्विक कोज्या होता क्या है। x अक्ष की द्विक कोज्या कहेगा या फिर द्विक कोसाइन कहेगा, दोनों एक ही बात है। x अक्ष की द्विक कोज्या आपसे पूछेगा तो उसका हो जाएगा आपका 1, 0, 0। फिर आपसे पूछेगा y अक्ष की द्विक कोज्या, y अक्ष की द्विक कोज्या क्या है तो इसका हो जाएगा 0, 1, 0, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा जेड अक्ष की द्विक कोज्या क्या है, जेड अक्ष की द्विक कोज्या क्या है तो उसका हो जाएगा आपका 0, 0, 1। हाँ, इसको याद कैसे रखना है तो जिस अक्ष की द्विक कोज्या पूछेगा उसको एक मानना है, बाकी सबको जीरो। जिस अक्ष की द्विक कोज्या आपसे पूछेगा उसको एक मानना है, बाकी सबको जीरो। जैसे x अक्ष की द्विक कोज्या पूछा जा रहा है तो हो जाएगा 1, 0, 0, y अक्ष की द्विक कोज्या पूछा जाएगा तो 0, 1, 0, z अक्ष की द्विक कोज्या पूछा जाएगा तो 0, 0, 1। जिस अक्ष की द्विक कोज्या पूछा जाएगा उसका मान एक मानना है, बाकी सबको क्या मानना है, जीरो मानना है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसमें एक और तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है, हम उस पर चलने वाले हैं। हम आपको दो अंक के सवाल की तरफ ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा कंसेप्ट आप जान लीजिए जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव में चलेंगे तो इस पार्ट को स्किप करके चलेंगे, ठीक है, समझिएगा। देखिए, इसमें अब दूसरा पार्ट क्या होता है, जैसे आपको पूछेगा कि xy तल के समांतर, ठीक है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा xy तल के समांतर है, निम्नलिखित में से कौन सा yz तल के समांतर है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा xz तल के समांतर है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा xy कहेगा, yz कहेगा या zx कहेगा, ध्यान रखिएगा।
तो यहां पर आपको मालूम है कि जब हम लोग थ्री डायमेंशनल पढ़ते हैं तो उसमें तीन अक्ष होता है। अच्छा, तीन गो में से दो गो देल रहेगा, तो जो तीसरा नहीं दिया हुआ रहेगा उसी के समांतर होगा। याद रखिए हमेशा, जो दो गो देल रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, तीसरा के बारे में सोचिएगा। जैसे कह रहा है कि एक्स वाई तल के समांतर, तो एक्स वाई तल के समांतर जेड बराबर के या के जगह पर कोई मान हो सकता है, यह हो जाएगा एक्स वाई तल के समांतर। एकदम गौर से समझिएगा, एक्स वाई तल के समांतर की बात करेगा तो जो यहां पर दिया हुआ रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, दो गो देल रहेगा और जो तीसरा बचेगा उसके बराबर में या तो कोई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, या फिर के लिखा हुआ रहेगा। जैसे कहेगा वाई जेड के समांतर तो एक्स, क्योंकि वाई और जेड इसमें आ गया तो बच गया क्या एक्स, तो एक्स बराबर के या के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है। फिर आपसे पूछेगा कि एक्स जेड तल के समांतर, एक्स जेड उसमें आ गया तो क्या बच गया वाई, यानी हो जाएगा वाई बराबर के समांतर। क्लियर हो गया? ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे एकदम हर हाल में आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे, यानी दो क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दो अंक के सवाल की तरफ। दो अंक के सवाल में जो आपको पूछा जाता है उसके बारी बारी से टाइप को देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। आराम से वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आप लोग यदि हड़बड़ाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होता है, ठीक है। चलिए बाबू, अब हम शुरू करते हैं, देखिएगा। चलिए, अब यदि आपसे सवाल पूछे, मान लीजिए कि सवाल ऐसा पूछ रहा है कि 2, 3, 4, ठीक है, बिंदु P है 2, 3, 4 की द्विक कोज्या, द्विक कोज्या या द्विक कोसाइन, द्विक कोसाइन या फिर द्विक कोज्या क्या है? सुनिए, जब आपको कोई बिंदु दे दिया जाए, ठीक है, यदि आपको कोई एक बिंदु दे दिया जाए और आपको कहे कि उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की द्विक कोज्या ज्ञात करें, उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की द्विक कोज्या ज्ञात करें, और सवाल आपसे दो अंक में पूछा जाए, सुनिए, सवाल आपसे दो अंक में पूछा जाए और ऐसा कहे कि इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की द्विक कोज्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इसको मूल बिंदु से ले जाइएगा, यानी मूल बिंदु से पी तक, यानी ओपी वेक्टर, मूल बिंदु से पी तक यानी हो जाएगा ओपी वेक्टर। सुनिए, जैसे ही वेक्टर लगेगा वैसे ही इसमें आई जे के सटा दीजिएगा, वैसे ही क्या लग जाएगा इसमें आई जे के, तो हो जाएगा आपका 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, ठीक है। देख लीजिए, अब आपके सामने एक सवाल सदिश के रूप में बनकर तैयार है, ठीक है। कहता है कि ओपी वेक्टर जिसका मान 2i कैप 3j कैप और 4k कैप है, तो इसकी द्विक कोज्या क्या होगी? हम आपको समझा दिए हैं, एक बार और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर बिंदु P है जिसका नियामक है 2, 3, 4, ठीक है, तो यहां से एक रेखा जा रही है P और आपसे पूछ रहा है कि ये जो OP वेक्टर है, अरे जब बिंदु यहां P है तो मूल बिंदु से लेकर जाएंगे तो OP वेक्टर बनेगा। अच्छा, तो OP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, यही ना होगा, है यही होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी द्विक कोज्या क्या होगी, देखिएगा। तो यहां से यदि हम इसको देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा, ये नहीं करेगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा, ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। अब ये एक समकोण त्रिभुज का यदि निर्माण करेगा, ठीक है, तो आपको बता दिए हैं कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ कोण बनाता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष के साथ जो धनात्मक कोण बनेगा उसको बोलेंगे कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस बीटा, और जो जेड अक्ष के साथ बनेगा उसको बोलेंगे कॉस गामा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कॉस अल्फा बराबर। फॉर्मूला आपका है, देखिएगा, ये हो जाता है एक्स वाई जेड, तो कॉस अल्फा बराबर फॉर्मूला है एक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। कॉस अल्फा को ही एल लिखते हैं, कॉस अल्फा को ही क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। फिर आपका एम बराबर
एम अर्थात कॉस बीटा, एम अर्थात कॉस बीटा बराबर फॉर्मूला है रूट अंडर सॉरी वाई बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर पर। देखिएगा लाइट कटा हुआ है बट आपको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे, यहां जब लाइट आएगा थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ जाएगा तो उसको मैनेज कर सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, m बराबर cos बीटा बराबर cos बीटा बराबर हो जाएगा y बटा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और n बराबर हो जाएगा आपका cos गामा, यानी cos गामा बराबर हो जाएगा z बटा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिएगा तो अब यहां पर बारी बारी से मान रखेंगे हम, ठीक है। ये ओपी वेक्टर बराबर आपका जो है इसको मान लीजिए कि एक्स आई कैप प्लस ये है आपका वाई जे कैप प्लस ये है आपका जेड के कैप, नहीं एक्स बराबर हो गया 2 वाई बराबर हो गया 3 और जेड बराबर हो गया 4, ठीक है। जेड बराबर कितना हो गया 4। अब फटाफट से इसमें मान रख दीजिए, एक्स के जगह पर रखना है 2 तो हो जाएगा 2 बट्टा में रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। चलिए यहां देखिए y बटा में तो y की जगह पर 3 है, 3 बटा में रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा तो 4 यानी 4 बटा में रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। देखिएगा ऊपर वाला 2 ज्यों का आते हूं, ठीक है, ऊपर वाला 2 ज्यों का आते हूं। अब बताइए कि जब ऊपर वाला 2 ज्यों का आते हैं तो कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 4 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 फिर हो जाएगा 3 बटा में रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16 फिर हो जाएगा 4 बटा में रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16। जब आप सवाल 2 अंक का बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर करना है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। थोड़ा सा और ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं ताकि आप आसानी से देख पाए, ठीक है। हाँ चलिए देखिएगा तो अब यहां पर मान रख दिए हैं, देखिए इसके बाद इसको जोड़ लीजिए क्योंकि जोड़ना ही तो बच गया है, अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, गौर से देखिए कितना आएगा 2 बट्टा में रूट अंडर 9 4 13 13 और 16 13 16 कितना हो जाएगा 29 यानी 2 बट्टा में रूट अंडर 29 फिर आपका कहेगा 3 बट्टा में रूट अंडर 29 फिर आपका हो जाएगा 4 बट्टा में रूट अंडर 29। तो इस तरीके से आपका निकल गया एक्स, इस तरीके से निकल गया बिंदु 2 3 4 की द्विक कोज्या या बिंदु 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखा की द्विक कोज्या। हाँ कभी कभी आपसे इसके कोण का मान भी पूछ देगा, ठीक है, तो जब कोण का मान पूछेगा तो गौर कीजिएगा कॉस अल्फा बराबर हो गया 2 बट्टा में रूट अंडर 29। हाँ तो यदि हम अल्फा का मान निकालेंगे तो मेन कोण में है उधर इनवर्स में चला जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 बट्टा में रूट अंडर 29। एक्स अक्ष के साथ यह जो है रेखा कॉस इनवर्स 2 बट्टा में रूट अंडर 29 का कोण बनाता है, ठीक है। इसके बाद यदि बीटा का मान पूछेगा तो कॉस बीटा बराबर कितना है 3 बट्टा में 29, नहीं तो हो जाएगा 3 बट्टा में रूट अंडर 29 और बीटा का मान यदि निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 3 बट्टा में रूट अंडर 29। चेक करो यदि आपसे गामा का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा कॉस गामा बराबर चेक कीजिए कितना है 4 बट्टा में रूट अंडर 29 तो 4 बट्टा में रूट अंडर 29 और यदि गामा का मान निकालेंगे तो मेन कोण में है इधर इनवर्स में आ जाएगा यानी हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 बट्टा में रूट अंडर 29, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपसे यदि द्विक कोज्या पूछेगा तो आप ये निकालिएगा, यदि आपसे अल्फा बीटा गामा का मान पूछेगा तो बस इतना निकालने के बाद आप ये निकालिएगा। सवाल आपसे 2 अंक में पूछेगा आपको पूरा का पूरा क्रिया करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है,
क्योंकि दो अंक पाना है आपको, दो अंक यदि देगा तो उसके लिए आपसे क्रिया खोजेगा। एक अंक वाला बात नहीं है कि टिक मार दीजिए काम चलेगा, दो अंक का सवाल आपसे पूछा गया है तो आपको पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, एक एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और हर स्टेप को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए इस ये चीजें आपको याद रखना है। और कब ऐसा बनाना है तो जब एक बिंदु का मान दिया गया हो और आपसे कहे कि इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का द्विक कोज्या निकाले, या कभी कभी आपको बिंदु नहीं दिया हुआ रहेगा तो ऐसे सदिश दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसा सदिश दिया हुआ रहेगा, तब तो आपको सदिश बनाने की जरूरत ही नहीं है, तब तो सीधे यहां से स्टार्ट कर देना है, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देना है। यदि बिंदु दिया हुआ रहेगा तब तो आपको ये बनाना पड़ेगा, लेकिन यदि बिंदु का मान नहीं दिया हुआ रहेगा तब आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तब आपको सीधे सीधे सदिश से शुरू कर देना है। ये जो सदिश दिया हुआ रहेगा ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, आप इसको मान सकते हैं, ऐसा माना गया है, ठीक है, तो उसमें से निकाल लीजिएगा कि x बराबर इतना हुआ, y बराबर इतना हुआ, z बराबर इतना हुआ, और सीधे सीधे या तो cos अल्फा बराबर फॉर्मूला लगाइएगा या उसके जगह पर आप l भी लिख सकते हैं, l बराबर भी इतना ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, या cos बीटा लिख सकते हैं या m लिख सकते हैं, cos गामा लिख सकते हैं या फिर n लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से दो अंक का सवाल इस तरीके से बना सकते हैं। ये तो हुआ एक बिंदु वाला या एक सदिश वाला। अब यदि आपको दो बिंदु दिया गया है और तब यदि आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का द्विक कोसाइन क्या होगा, तब उसको कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का द्विक कोसाइन कैसे निकालना है। देखिए, ऐसा यदि दो बिंदु आपको दिया गया है, दो बिंदु ऐसा दिया गया है तो आपसे पूछेगा कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की द्विक कोसाइन क्या है या द्विक कोज्या क्या है, तब उस सवाल को कैसे बनाएंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर जो आपको दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा एकदम टेक्निक में बनाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रयोग करेंगे इसमें। देखिए क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कि यह आपका बिंदु ए है और ये जो है आपका बिंदु क्या है, बी है। तो सबसे पहले इसको सदिश में चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर बराबर बस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। इसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका ओ बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 1i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए बी वेक्टर का मान, ए बी वेक्टर बराबर, सुनिए, जब आपको बिंदु दिया गया हो और उससे सदिश बनाना हो तो पहले ओ से लेके चलेंगे, ओ ए वेक्टर, आई जे के लगा देंगे, जैसे ही ओ ए वेक्टर आ गया तो आई जे के, ओ बी वेक्टर आ गया तो आई जे के। अब हमको ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए देखिए, बाद वाला में से पहले वाला को घटाइए, माने बी में से ए को घटाइए, बी में से ए को घटाइए, तो देखिए B क्या है आपका, यहां हो जाएगा आपका OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, एकदम इत्मीनान से सवाल को बनाइएगा। OB वेक्टर क्या है, I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप, माइनस OA वेक्टर क्या है, तो माइनस 2 I कैप प्लस 4 J कैप अब माइनस 5 K कैप, ठीक है, घटाइए, ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 3k कैप माइनस माइनस प्लस 2i कैप प्लस माइनस माइनस 4j कैप अब माइनस माइनस प्लस 5k कैप, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए i कैप में से 4i 2i कैप है ना, यहाँ प्लस i कैप यहाँ 2i कैप, तो कितना हो जाएगा 3i कैप अब प्लस माइनस फोर जे कैप प्लस फोर जे कैप, तो घट के हो जाएगा माइनस टू जे कैप, यहाँ देखिए थ्री के कैप और प्लस थ्री के कैप, तो पाँच और तीन आठ के कैप, ठीक है, ये निकल गया ए बी वेक्टर का मान, ठीक है। अब इस ए बी वेक्टर से होकर जाने वाली रेखा का द्विक कोज्या निकालने के लिए आपको अभी जस्ट बताए हैं, आप मान लीजिए कि ए बी वेक्टर बराबर है एक्स आई कैप y j कैप अब प्लस जेड के कैप, ठीक है, इसलिए
एक्स बराबर हो जाएगा 3, वाई बराबर हो जाएगा -2 और जेड बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, जब द्विक कोज्या निकालना है तो या तो आप लिख सकते हैं एल बराबर या लिख सकते हैं कॉस अल्फा। ठीक है, बराबर फॉर्मूला है एक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एम बराबर कॉस बीटा बराबर है वाई बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन बराबर है कॉस गामा बराबर हो जाएगा जेड बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए फटाफट से मान रख देते हैं, एक्स के जगह पर क्या निकाले हैं 3, तो यहां हो जाएगा 3 अबटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद हो जाएगा वाई बटा में, तो वाई के जगह पर कितना है -2, तो -2 बटा में हो जाएगा रूट अंडर 3 के स्क्वायर इसके बाद प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर, यहां देखिएगा जेड बटा में यानी 8 बटा में रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। चलिए चेक कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 3 बटा में 9, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 64, नहीं 8 का स्क्वायर 64 और 4 68, 68 और 9, 68 और 9 कितना हो जाएगा 9 8 17, 68 और 9 77 यानी रूट अंडर 77। एक बार और देख लेते हैं 64 और 4 68, 68 और 9 77 यानी इसका हो जाएगा रूट अंडर 77, तो 3 बटा में रूट अंडर 77 माइनस 2 बटा में रूट अंडर 77 और इसके बाद हो जाएगा 8 बटा में रूट अंडर 77। ठीक है, तो ये जो मान निकल के आया आपका, ये निकल के आया दी गई दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का द्विक कोज्या या द्विक कोसाइन। अच्छा, इसी में सवाल बदलकर आपसे पूछे कि अल्फा का मान क्या होगा, बीटा का मान क्या होगा और गामा का मान क्या होगा, तो आपको सावधानी से क्वेश्चन बना देना है। कॉस अल्फा बराबर दिया गया, अभी आप निकाले हैं कॉस अल्फा बराबर कितना निकाले, तो 3 बटा में रूट अंडर 77, तो यदि अल्फा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 3 बटा में रूट अंडर 77। इसके बाद कॉस बीटा बराबर निकाले हैं आप -2 बटा में रूट अंडर 77 और यदि बीटा का मान पूछा जाए तो कॉस इनवर्स 2 बटा में रूट अंडर 77। इसके बाद कॉस गामा बराबर आपका हो जाएगा 8 बट्टा में रूट अंडर 77, तो गामा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 8 बट्टा में रूट अंडर 77। चेक कर लो। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि दो बिंदु आपका दिया गया है और दोनों बिंदु से होकर किसी रेखा को यदि ले जाया जाए तो उसका द्विक कोज्या क्या होगा या द्विक कोसाइन क्या होगा या फिर उसके कोण का मान हम कैसे निकालेंगे। बस आपको ये सवाल दो अंक में आपसे पूछा जाएगा और आप यथोचित उसका उत्तर दे पाएंगे। एक दो क्वेश्चन और हम इसका करने वाले हैं। ठीक है, पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब इसी पर आधारित एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वैसे क्वेश्चन को हम करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सवाल यहाँ कहता है कि सदिश 3i-4j-12k की द्विक कोसाइन ज्ञात करें या द्विक कोज्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सदिश आपको दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से माना ए वेक्टर बराबर 3i-4j-12k। ठीक है, तो इसमें से यदि देखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, y बराबर कितना हो जाएगा -4, z बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको कहता है कि इसका द्विक कोसाइन यानी या तो l या फिर cos अल्फा का मान बताए हैं आपको, x बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और m बराबर कॉस बीटा
और कॉस बीटा का मान हो जाएगा वाई बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पर एन बराबर कॉस गामा, कॉस गामा का मान हो जाएगा आपका जेड बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चेक करो, ठीक है। अब देखिएगा x के जगह पर क्या रखना है बाबू, तीन, तो हो जाएगा तीन बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी तीन के स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी माइनस चार के स्क्वायर, और जेड स्क्वायर यानी बारह के स्क्वायर। फिर y के जगह पर माइनस चार बटा में रूट अंडर कितना हो जाएगा तीन के स्क्वायर प्लस माइनस चार के स्क्वायर और प्लस बारह के स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा जेड, जेड के जगह पर क्या है तो बारह बटा में हो जाएगा आपका रूट अंडर तीन के स्क्वायर प्लस माइनस चार के स्क्वायर प्लस बारह का स्क्वायर, ठीक है। तीन का यहां पर लिखेंगे तो तीन आ बटा में कितना हो जाएगा रूट अंडर तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस। इसके बाद हो जाएगा माइनस चार बटा में रूट अंडर तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस। बारह बटा में हो जाएगा रूट अंडर तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस, यानी कितना हो जाएगा तीन बटा में एक सौ उनहत्तर। इधर हो जाएगा माइनस चार बट्टा में रूट अंडर एक सौ उनहत्तर, इधर हो जाएगा बारह बट्टा में रूट अंडर एक सौ उनहत्तर, यानी तीन बट्टा में तेरह माइनस चार बट्टा में तेरह, और फिर हो जाएगा आपका बारह बट्टा में तेरह। देख लीजिएगा इस तरीके से आपका जो है द्विक कोसाइन निकल कर आ जाएगा। यदि कोई सदिश या कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा, सदिश दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट आपको काम करना है, यदि कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा तो उसको सदिश में बदल लीजिएगा तब ऐसा काम कीजिएगा, और यदि दो बिंदु दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए भी बता दिया कॉन्सेप्ट। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि यदि बिंदु नहीं देकर आपको द्विक अनुपात दे दे, वहां पर हम लोग समझेंगे कि द्विक अनुपात क्या है। अगले वीडियो में द्विक अनुपात के बारे में हम लोग समझेंगे, और यदि आपको द्विक अनुपात दे देगा तब उसकी द्विक को जय कैसे निकालेंगे या उसका कोण कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो बेहतर लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।